अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई में 9 फरवरी को सरयू पारण ब्राह्मण समाज का वर वधु सम्मेलन शामिल होने एडवोकेट रमेश त्रिपाठी का आह्वान। सरयू पारण ब्राह्मण समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों को सुयोग्य वर वधु मिल सके और समाज में सामूहिक विवाह की प्रेरणा पैदा हो, इसी मकसद से नवी मुंबई में 9 फरवरी को वर वधु परिचय मेला आयोजित किया गया है। सम्मेलन के आयोजक एडवोकेट रमेश त्रिपाठी ने बताया कि सम्मेलन में सरयू पारण ब्राह्मणों के विवाह योग्य बच्चों का पंजीकरण किया जाएगा और वैवाहिक कार्यक्रम तय होंगे। उन्होंने कहा कि दौर बदल रहा है, ऐसे में वर वधु परिचय मेला कई अभिभावकों की टेंशन दूर कर सकता है। उन्होंने सरयू पारण ब्राह्मण .com वेबसाइट पर पंजीकरण कराने या सीधे कार्यक्रम स्थल पर आने का आह्वान किया है। यहाँ पे आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि उसको समय नहीं मिल पाता कि अपनी लड़की के लिए मतलब अच्छा वर ढूंढ सके या अपने लड़के के लिए कोई अच्छी कन्या ढूंढ सके। तो हम लोगों ने एक यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश किया है कि इस गैप को कम किया जाए। उसके लिए हमने एक नई मुंबई एक सरयू पारण ब्राह्मण संघ की स्थापना की है, जिसमें कोई पदाधिकारी नहीं है, सारे लोग पदाधिकारी हैं, सब उतने ही सम्मानित हैं, उतने ही जिम्मेदार हैं। और उसका अभी तक मुंबई और उपनगरों में मिलाकर के लगभग 16 कार्यक्रम हो चुका है। 17वां कार्यक्रम नई मुंबई में दोबारा किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के जो पेरेंट मतलब माता पिता हैं और उनके बच्चे जो शादी योग्य हैं, उस कार्यक्रम में उनको हम बुलाते हैं, एक दूसरे से उनका उनकी जानकारी आदान प्रदान करते हैं और अगर उसके बाद उन दोनों का आपस में रिश्ता जमता है तो उसका व्यक्तिगत वेरिफिकेशन वो खुद करें और अपनी शादी करें। और ये पूरा कार्यक्रम निःशुल्क किया जाता है। उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो समाज के बच्चे गैर समाज की लड़कियां ला रहे हैं और जो हमारे समाज की लड़कियां गैर समाज में जा रही हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए और इस मंच के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जो माता पिता या जो वर वधु अपने करियर के चक्कर में समाज से कट जाते हैं और उनको जानकारी नहीं हो पाती कि भाई समाज में भी उनके योग्य वर है या कन्या है, तो उस दूरी को मिटाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। उसका हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, उसका वेबसाइट भी बना के रखा गया है, ईमेल आईडी भी है, उसका वीकली न्यूज़पेपर भी आता है। और ये कार्यक्रम लगभग 2.5-3 वर्ष से अनवरत चल रहा है और इसके माध्यम से अभी तक 15 से 16 हज़ार शादियाँ सफल रूप से हो सकी हैं। और मेरी कोशिश है कि नई मुंबई में दोबारा ये कार्यक्रम करके यहाँ हमारे जो सरयू पारण समाज के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनके जो विवाह योग्य वर वधु हैं, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, सम्मिलित हों और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। इस मंच के माध्यम से या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि अगर हमको मालूम पड़ जाता है कि उसमें कोई भी वर पक्ष के माता पिता अगर पैसा मांगते हैं तो उनका हम सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान करते हैं और पूरे वहाँ पे आए हुए लोगों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे माता पिता ऐसे वर के साथ में अपनी कन्या की शादी नहीं किया जाए जो लोग दहेज मांगते हैं। इसके हम लोग घोर विरोधी हैं और इस मंच के माध्यम से हमारी कोशिश है कि लड़की का पिता अपनी स्वेच्छा से जो देना चाहता है बिल्कुल दे, लेकिन अगर उसके साथ में कोई डिमांड की जाती है वर पक्ष के द्वारा तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए और ऐसे लोगों को समाज से दूर किया जाए। कोशिश ये है कि हमारे समाज के जो बच्चे बच्चियां हैं एक दूसरे के बारे में आपस में जाने और जानने के बाद में अगर विवाह योग्य हैं तो शादी करें। बाकी इसके माध्यम से हमारा कोई ऐसा नहीं है कि इसमें किसी जातिवाद को बढ़ावा देना है, किसी धर्मवाद को, क्षेत्रवाद को, संप्रदायवाद को, इन सब चीज़ों से हम दूर रहते हैं। और कोशिश ये है कि समाज में जो एक अगुआ की कमी थी उस कमी को पूरा करके समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे करके नियमित समय पर वर वधु को योग्य जोड़ी प्रदान की जाए, इसके पीछे सिर्फ यही एक उद्देश्य है। बता दें कि सम्मेलन के उद्घाटन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, पूर्व मंत्री रमेश दुबे, चंद्रकांत त्रिपाठी एवं संजय उपाध्याय समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। नवी मुंबई, ठाणे और पनवेल आदि क्षेत्रों के सरयू पारण ब्राह्मण परिवारों से शामिल होने का आह्वान किया गया है। यह सम्मेलन निःशुल्क रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।